चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह के फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है के लिए फैंस की बेसब्री का इंतजार इस कदर बढ़ गया है कि उनकी फोटो हमेशा सोशल मीडिया पर लीक होती रहती है और जिसे दर्शक बेहद ज्यादा पसंद करते रहते हैं। इस फिल्म में काफी लंबे समय के बाद लोगों को सलमान खान और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री एक बार फिर से देखने को मिली है। खबर आ रही है कि बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह इस फिल्म में धमाकेदार एंट्री करने जा रहे हैं। इस फिल्म में पवन सिंह पहली बार सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। अगर ऐसा होता है तो पवन सिंह भी बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना लेंगे। फिलहाल अभी तक टाइगर जिंदा है की टीम की तरफ से कोई ऑफिशियली घोषणा नहीं किया गया है। आपको बता दें कि टाइगर जिंदा है फिल्म 2012 की सुपरहिट फिल्म एक था टाइगर का सीक्वल है। इस फिल्म के शेट से आए दिन कोई ना कोई तस्वीर लीक होती रहती है जिसे दर्शक बेहद ज्यादा पसंद करते रहते हैं और फिल्म के लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए काफी रहती है। हाल ही में इस फिल्म के सेट से सलमान खान की एक तस्वीर इंटरनेट पर लीक हो गई जिसमें सलमान खान बेहद हैंडसम नजर आ रहे हैं और दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। टाइगर जिंदा है का निर्देशन अली अब्बास जफर कर रहे हैं। यह फिल्म इस साल क्रिसमस के मौके पर पूरे भारत में एक साथ रिलीज किया जाएगा।